हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉइजी में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉर्गेज। हम सभी लोगों ने मॉर्गेज वर्ड सुना है। मॉर्गेज को हिंदी में बंधक कहा जाता है। अभी मॉर्गेज होता क्या है, ये मॉर्गेज डीड क्या होता है, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया इसका मतलब क्या होता है, मॉर्गेज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती है, आइए इस लेक्चर में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो वी आर टुडे गोइंग टू कवर मॉर्गेज, जिसे हम मॉर्गेज और बंधक दो दो शब्द इसके चलते हैं हिंदी में। हम सभी को पता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो होती है वो पांच तरीकों से होती है। यानी किसी भी प्रॉपर्टी को, यानी मकान को, दुकान को, प्लॉट को, भूमि को, गोडाउन को, यदि आपको ट्रांसफर करना है तो इसके पांच तरीके बताए गए हैं। और सबसे फ्रिक्वेंट तरीका, यानी सबसे ज्यादा होने वाला जो तरीका है वो है विक्रय, यानी सेल से। सेल से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, यहाँ पे दोनों पार्टीज का नाम हो जाता है बायर एंड सेलर, यानी एक होता है विक्रेता और एक होता है क्रेता, जो मूल्य पर यानी पैसा लेकर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। दूसरा तरीका होता है दान। दान में डोनर और डोनी दो पार्टीज होती है। डोनर बिना पैसे के, बिना कंसिडरेशन के यदि अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को देता है और दूसरा व्यक्ति स्वेच्छा से उसको ग्रहण करता है यानी एक्सेप्ट करता है, तो इसे गिफ्ट कहा जाता है। तो इसके लिए गिफ्ट डीड बनती है, यानी दान विलेख बनता है। तो यहां पर भी दो पार्टी है, डोनर एंड डोनी, यहां भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। इन दोनों में ऑनरशिप बदल जाती है, आप गौर कीजिएगा, ऑनरशिप यानी मालिकाना हक, ऑनरशिप बदल जाती है। ऑनरशिप मतलब अब मालिक कोई और हो जाएगा। लेकिन इधर विनिमय में, यदि हम विनिमय की बात करें, तीसरा तरीका होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का विनिमय, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं। इसी एक्सचेंज को अदला बदली भी कहा जा सकता है। अदला बदली यानी विनिमय, यानी एक व्यक्ति मिस्टर ए अपना खेत मिस्टर बी को दे रहा है, उसके बदले में मिस्टर बी का मकान ले रहा है, तो मकान और खेत का अदला बदली हो गई, तो इसको विनिमय कहा जाता है। यहां पर भी ऑनरशिप म्यूचुअल बदल रही है, म्यूचुअल ऑनरशिप बदल रही है, मतलब एक दोनों की ऑनरशिप बदल रही है प्रॉपर्टी की, तो इसको विनिमय कहा जाता है। यहां पर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। चौथा तरीका बताया गया है लीज। यहां पर ऑनरशिप तो नहीं जाती है, लेकिन यहां पर इंजॉयमेंट राइट्स यानी पदेशन जाता है। पदेशन कुछ समय के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है, कब्जा चला जाता है। जैसे हमने सुना है कि गवर्नमेंट जो है खदाने लीज पे देती है, जमीनें जो देती है वो लीज पर देती है, तो लीज यानी उस प्रॉपर्टी को उपयोग करने का अधिकार एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए व्यक्ति को चला जाता है। यहाँ पे लेजर और लेसी कहलाते हैं। तो यहां पर पार्टीज थे सेल में सेलर, बायर एंड सेलर, गिफ्ट में थे डोनर एंड डोनी, विनिमय में पार्टीज टू एक्सचेंज, यहाँ पे दोनों पार्टी सेम ही रहती है। और अगर पट्टे की बात करें तो लेजर एंड लेसी, यानी भूमि देने वाला व्यक्ति लेजर होता है और भूमि लेने वाला व्यक्ति लेसी होता है, यानी पट्टा करता और पट्टा खरीदा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बंधक की, यानी लीज की बात करने वाले हैं, सॉरी मॉर्गेज की बात करने वाले हैं। और मॉर्गेज में भी दो पार्टी है, एक है मॉर्गेजर और एक है मॉर्गेजी। मॉर्गेजर मतलब जो संपत्ति का स्वामी है, जो प्रॉपर्टी देने वाला है वो मॉर्गेजर, और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी ले रहा है वो व्यक्ति होता है मॉर्गेजी। लेकिन यहां पर मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, वो तो किस चीज के लिए ले रहा है उसको समझना है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 58 में मॉर्गेज को डिफाइन किया गया। तो मॉर्गेज की परिभाषा दी गई है सेक्शन 58, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये कहता है रीपेमेंट ऑफ द लोन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मॉर्गेज के अंदर लोन, लोन यानी ऋण, उधार की बात की जाती है। यानी एक व्यक्ति अपनी भूमि को, अचल संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को इसलिए दे रहा है क्योंकि एज अ सिक्योरिटी, उसे एज अ सिक्योरिटी रखना है। जैसे आप लोगों ने गिरवी सुना है, जिस प्रकार गिरवी किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति अपने सोने की चेन गिरवी करके पैसे लेता है साहूकार से, तो ये चल संपत्ति का जो होता है गिरवी, वही अचल संपत्ति में गिरवी न कहलाते हुए मॉर्गेज कहलाता है। इतना अंतर समझना है। इसका मतलब ये होता है जो बैंकें होती है वो मॉर्गेज ही होती है। बैंकें आपकी प्रॉपर्टीज को, आपकी प्रॉपर्टीज का जो रजिस्ट्री की कॉपीज है वो अपने पास रख के, यानी अचल संपत्ति के मालिकाना हक यानी टाइटल डीड्स के पेपर अपने पास रखकर आपको लोन देती है। तो बैंकों को पैसों की, मतलब प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। बैंक ने तो प्रॉपर्टी इसलिए रखी है एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, ताकि सामने वाला व्यक्ति प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब मूलधन और ब्याज लौटा दे, उसकी सिक्योरिटी के लिए दिया है। और जैसे ही मॉर्गेजर जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मतलब मूलधन और ब्याज उसे दे देता है बैंक को, तो बैंक आपके कागज आपको वापस दे देती है। तो इस प्रकार मॉर्गेज में एक इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, यानी अचल संपत्ति में इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, इसी को मॉर्गेज कहा जाता है। तो हम उदाहरण देख लें, बैंक से यदि हमने लोन लिया तो बैंक ने हमारे टाइटल डीड्स अपने पास रख लिए, यानी उस मकान के पेपर्स अपने पास रख लिए, यानी बैंक ने एज अ सिक्योरिटी पेपर रखे हैं। यदि आप उनका मूलधन और ब्याज नहीं लौटाएंगे तो बैंक उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा, यानी आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना मूलधन और ब्याज प्राप्त कर लेगा। इसी ट्रांजेक्शन को मॉर्गेज कहते हैं।
यहाँ पर दो पार्टी है, मॉर्गेजर और एक है मॉर्गेजी। नॉर्मली बैंक जो है, जो लोन देने वाला है, वो हमेशा मॉर्गेजी होता है, और जो ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसकी संपत्ति है, वो व्यक्ति मॉर्गेजर कहलाता है। तो बंधककर्ता और बंधकदार, इस प्रकार ये दो पार्टीज हो जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, मॉर्गेज में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये याद रखिएगा। मॉर्गेज में हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है, अचल संपत्ति की बात हो रही है, जिसे हम स्थावर संपत्ति कहते हैं। ये अचल संपत्ति लैंड भी हो सकती है, होम भी हो सकता है, गोडाउन भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है। तो इस प्रकार अचल संपत्ति में एक इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है। इंटरेस्ट मतलब बैंक का ये इंटरेस्ट है कि यदि आप हमारा लोन नहीं चुकाएंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे और अपना लोन प्राप्त कर लेंगे। लोन का मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। अब इसके लिए एक लिखा पढ़ी होती है, जिसके लिए मॉर्गेज डीड बनती है, जिसे हम बंधक विलेख कहते हैं। यानी जिस लिखा पढ़ी, यानी जिस कागज में ये सारी बातें लिखी जाती है, उसको मॉर्गेज डीड कहा जाता है। मॉर्गेज डीड एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर मॉर्गेज की सारी बातें लिखी गई है, डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, इसमें कितना रुपया लोन का लिया गया है, क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कौन पार्टीज है, मॉर्गेजर कौन है, मॉर्गेजी कौन है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल लिखा रहता है, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी व्यक्ति ने एज अ सिक्योरिटी रखी है, इसका पूरा डिटेल लिखा होता है। मॉर्गेज मनी मतलब जितना लोन लिया गया है, उस मॉर्गेज मनी का उल्लेख होता है, बंधक धन का उल्लेख किया जाता है। और इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, यानी उस व्यक्ति का, उस बैंक का, यानी मॉर्गेजी का, उसमें क्या इंटरेस्ट है, वो भी क्लियर कर दिया जाता है। तो ये है मित्रों मॉर्गेज, मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज क्यों होता है, और मॉर्गेज के अंदर, मॉर्गेज डीड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती है। आई होप आपने यह लेक्चर एंजॉय किया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।